दोस्तों फरवरी का महीना चल रहा है फॉर्म का, यानी फॉर्म आने का महीना चल रहा है फरवरी। तो इस फरवरी में बहुत सारे फॉर्म्स निकलने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म निकल भी चुके हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है जामिया अलीगढ़, बीएचयू, जेएनयू सब का। देखिए ये फॉर्म, देखिए नीट का फॉर्म निकल गया है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म निकल गया है, जिसमें जेएनयू, जामिया, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में एडमिशन होगा। ये देखिए 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक फॉर्म भरा जा रहा है और 1700 रुपया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने के लिए। और आपका एग्जाम डेट 5 मई को होगा, रिजल्ट आपको 14 जून को आएगा। एडमिट कार्ड आपको पता है कि 3 दिन पहले ही आजकल एडमिट कार्ड आ रहा है, लेकिन सिटी इंटीमेशन पहले पता चल जाता है कि आपका बनारस में एग्ज़ाम है या आपका लखनऊ में है या आपका पटना में है या कोलकाता में, चेन्नई में है या केरल में, कहाँ पे है वो सिटी इंटीमेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी एनटीए ने अपनाया है कि शहर आपको बता देता है कि इस शहर में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली एग्ज़ाम सेंटर कौन सा होगा वो 3 दिन पहले ही एनटीए बताता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और फॉर्म का अपडेट मिलेगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो BDS है, डेंटल कॉलेज है, उसमें एडमिशन नीट के एग्ज़ाम से ही होता है। तो जामिया में एडमिशन्स के लिए 2024 में जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं BDS के लिए, उनके लिए नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BDS हो या MBBS हो या आपके जो तिबिया कॉलेज है, उसमें भी एडमिशन्स के लिए आपको नीट का एग्जामिनेशन देना ज़रूरी होता है। तो नीट का फॉर्म AMU वाले भी भरेंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाले, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होगा 2024 में मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जामिया में मेडिकल कॉलेज खुलने की आशा है, इस साल से एडमिशन की प्रक्रिया की बात हुई थी, लेकिन प्रोस्पेक्टस जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आएगा तभी पता चलेगा। अभी कोई हाल फिलहाल में अपडेट नहीं है, जैसे पहले नजमा अख्तर जी वाइस चांसलर थी तो चीज़ें जल्दी जल्दी अपडेट आती थी, अभी वाइस चांसलर को खोजा जा रहा है। उम्मीद है कि फरवरी महीने में मिल जाए, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो अभी एडमिशन का सिर्फ स्कूल का फॉर्म निकला है, अभी UG PG का फॉर्म निकलना बाकी है। ये फरवरी महीना या मार्च में फॉर्म तो निकल जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हर साल जनवरी में ही फॉर्म निकालती थी, इस बार लेट हो गया है, फरवरी का महीना चल रहा है, अभी भी AMU में कोई भी अपडेट नहीं है फॉर्म का, चाहे स्कूल का हो चाहे UG PG का हो। लेकिन जो लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से एडमिशन लेके जाते हैं जामिया में, अलीगढ़ में, उसका अपडेट तो आते ही जा रहा है और मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसीलिए नेशनल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको फॉर्म भर दीजिए, बाकी आपको सेपरेट AMU, BHU और जामिया में तो भरना ही पड़ेगा, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, तो उसका अपडेट जो भी आएगा मैं दूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल है कि नीट 2024 का लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ टुडे है नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024 का, कि फॉर्म निकल गया है, 9 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपको मार्च तक चलेगा, एक महीना का फॉर्म रहेगा। तो 9 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और 1700 रुपया है जनरल कैंडिडेट्स का फॉर्म का फीस, और OBC EWS कैटेगरीज के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 है, उसके बाद थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपया है, SC ST के लिए 1000 रुपया है। और आपके एग्ज़ाम 5 मई को डिसाइडेड है, तो आप लोग तैयारी ज़रूर कीजिए, चाहे जामिया का हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, BHU का हो, JNU का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, या एनी अदर कॉलेजेस के लिए आप एडमिशन्स के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। एक टाइम टेबल रूटीन ज़रूर बनाइएगा, डिसिप्लिन उस रूटीन पर रहिएगा, ईजी रूटीन बनाइएगा जिससे आप आसानी से फॉलो कर सकें, मुश्किल रूटीन बनाइएगा तो फॉलो होगा नहीं तो फिर तैयारी भी नहीं होगा। तो दोस्तों नीट 2024 का लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, इसका फॉर्म ज़रूर आप लोग भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में जब फॉर्म का डेट ख़त्म हो जाएगा तो आपके लिए सेपरेट फॉर्म तो नहीं खुलेगा। तो फॉर्म का डेट है, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों को शेयर करके बताइएगा कि अगर आप मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डेंटल में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, या DU के कुछ मेडिकल कोर्सेज है उसमें एडमिशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं देश के, जैसे एम्स में हो गया या अदर मेडिकल कॉलेजेस में, तो नीट के एग्ज़ाम भरना बहुत ज़रूरी होता है। 720 नंबर का एग्ज़ाम होगा, माइन्यूट चेंजेस है,
अभी एग्जाम सेंटर नीट का आउटसाइड इंडिया नहीं पड़ेगा, देश में ही एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। और मॉडिफिकेशन माइन्यूट से जो सीबीएसई का सिलेबस में हुआ है उसमें तब्दीली हुई है। तो दो मेजर चेंजेस है कि एग्जाम आउटसाइड इंडिया नहीं रहने वाला है, और जो सीबीएसई का मॉडिफाइड सिलेबस है उसी मॉडिफाइड सिलेबस का आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा। और एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा एग्जैक्ट, लेकिन सिटी इंटीमेशन पहले पता चल जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा, तैयारी करने में मन लगाएगा। और दोस्तों को, यारों को इसको शेयर करके उनको बता दीजिए कि देश के सबसे बड़ी बड़ी एग्जामिनेशंस का फॉर्म निकल चुका है, तैयारी में लग जाए। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, भगवान अल्लाह करे आप लोगों के एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में हो जाए।